देखिए बहुत अच्छा काम यहाँ पे लगा हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम एज के जो है ना आर्टिस्टों ने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है, मतलब ये इन्होंने इतना अच्छा ग्रुप तैयार किया है, और मैं कहूँ क्रिएटिविटी भी है, ओरिजिनलिटी भी है, और बहुत ही मतलब जो है इम्प्रेसिव है। जी सर, देखा जाएगा कि नीतू गुप्ता जी पिछले कई समय से आर्ट एग्जीबिशन कर रही है युवाओं को बढ़ावा देने के लिए, तो बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे इनकी? मैं तो कहूँगा साहब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए कला जो है वो मानव जीवन से जुड़ी हुई है। बाकी काम तो आप दुनिया भर के कर लेते हो, किसी को इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, एडवोकेट बना दो, कुछ भी बना दो, आर्टिस्ट को परमात्मा बनाता है। जी। तो उसकी जो है प्रतिभाओं को ये जो है आगे बढ़ा रहे हैं और उसको कर रहे हैं, तो ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को जो है एक्चुअली एग्जिबिट करते हैं ये, कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी जो है वो नेचर क्या है, और इससे जो प्लेजर मिलता है ना वो आपको और दुनिया की किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकता है। म्यूज़िक, पेंटिंग और लिटरेचर, सभी पेंटिंग्स को आपने यहाँ पे देखा है, सभी आर्टिस्टों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो उनको सबको साधुवाद देता हूँ, और ये कहता हूँ कि निरंतर वो अपने काम को जो है वो करते रहें, और इसीलिए मैं क्रिटिकल अप्रिशिएशन करता हूँ हर एक का। ऐसा नहीं कि आया और नेताओं की तरह घूम करके चला गया, जो बहुत बढ़िया बनाया सब कुछ किया, वो क्या कर सकते हैं अपने जीवन में और आगे, उनकी पेंटिंग से ही जो है, मैंने जैसा अभी बोला कि मैं आपकी पेंटिंग देख के आपके मन के बारे में जान सकता हूँ कि आपने क्या किया है, क्योंकि रंग अपने आप बोलते हैं कि आपके अंदर में खुशी है, गम है या क्या है और कैसे है। वेलकम।